हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। जितने भी ऐसे प्रशिक्षु हैं 2021 और 22 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने पहले अगर उनकी 3 बार बैक लग चुकी है और अब की बार प्रत्यावेदन देने के बाद उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, तो उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, यानी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अगर जारी कर दिया है तो उनकी मार्कशीट जो है उनको नहीं दी जाएगी। ऐसी रोक लगा दी गई है, डाइट को निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस देखते हैं जो अभी अभी जारी किया गया है, क्योंकि अब की बार जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार बैक आ चुकी है, उन्होंने अपना प्रत्यावेदन फॉर्म भरा था और अपना प्रत्यावेदन के लिए अप्लाई करा था, तो एग्जाम फॉर्म में उनको अब की बार मौका नहीं दिया गया। और जिन्होंने पहले एग्जाम भी दे चुका है उन पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। 18 नवंबर 2022 यानी आज का ही ये नोटिस है जो अभी जारी किया गया है पीएनपी की तरफ से, क्योंकि अभी न्यायालय का आदेश है कि किसी का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रत्यावेदन वाला स्टूडेंट डीएलएड के विभिन्न बैच या यानी इस कोई से भी बैच के अगर हैं, किसी भी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार बैक आने पर उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, ऐसे में एक अतिरिक्त मौका प्रदान करते हुए परीक्षा वर्ष 2021-22 में उनको एक मौका दिया गया था एससीईआरटी की तरफ से कि आप एक बार और एग्जाम देकर देख लीजिए, अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपकी डीएलएड जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और यहाँ पर अनुभा मिश्रा ने एक याचिका डाली और इसमें बताया गया कि जो भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देकर पास हुआ है उनका वर्तमान में रिजल्ट विचाराधीन रखा जाए, यानी उन पर रोक लगा दी जाए। और अब अगली सुनवाई आपकी जो है 5 दिसंबर को होनी है, उसमें डिक्लेयर होगा कि भाई आपका रिजल्ट मान्य होगा या नहीं होगा। इस अपडेट में इतना ही। काफ़ी प्रशिक्षकों के कमेंट आ रहे थे कि डेट शीट कब जारी होगी डीएलएड एग्ज़ाम की, तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे और लगभग 8 या 10 दिसंबर के आसपास तक आपकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी, और दिसंबर 15 दिसंबर या इसके आसपास आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए, हमारे द्वारा भी क्लासेस चला दी गई हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।